हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी विद अदिति इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी आज की इस वीडियो में हम मोस्वास पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे बट आफ्टर दैट हम आगे की आने वाली वीडियोस में पैरामीटर्स एंड इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे ओके सो आई होप कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें एंड ये जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एम एस सी केमिस्ट्री के फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के यूनिट फोर में, में मेंशन है बट साथ ही साथ मोसवा स्पेक्ट्रोस्कोपी बी एस सी के लिए Uh, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ओके सो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके इसमें लाइन में हमने ये कहा है कि मोसवा स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं ठीक है अब Uh, इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि इन दिस मैथड न्यूक्लियर एब्जॉर्वर गामा रे फोटोन एंड अंडर गो ट्रांजिशन क्योंकि मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन हो रही है वो किस मैथड के यूज से हो रही है एब्जॉर्बेंस ऑफ गामा रेज ओके एंड अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवर बाय आर मोसवार इन 1957 एंड 58 और इस वर्क के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था नॉबल प्राइज से वो अवार्डेड हुए थे ओके सो इट इज़ सिंपल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोसवास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे मोसवास स्पेक्ट्रोस्कोपी के तब भी आप लिख सकते हैं या आपको डायरेक्ट टू या थ्री मार्क्स का को क्वेश्चन आता है तब भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट को लिख सकते हैं ओके नाउ कम टू इट्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल में आपको कॉम्प्लीकेटेड uh, नहीं फील करना है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इस प्रिंसिपल में बट अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है ओके सो इफ यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोसवाज स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या इन्वाल्व होता है रिकॉयल्स एमिशन एंड एब्जॉर्ब्शन ऑफ गामा रेव्स वाई न्यूक्लियाई ठीक है इसमें क्या होता है रिकॉयल हेमीशन को इन्वॉल्व किया जाता है ठीक है द एटम इन सोर्स एमिटिंग द गामा रेज जो हमारा एटम होगा ना सोर्स में वो एमिट करेगा गामा रेस को बट वो गामा रेस जो हैं वो सोर्स जो है मस्ट बी ऑफ सेम आइसोटॉप एज एटम इन सैम्पल एब्जॉर्विंग बाय दम मतलब कि जो एटम है हमारे पास किस में सैम्पल में और जो सोर्स में है वो सेम आइसोटॉप के होने चाहिए तभी जो है गामा रेस की एब्जॉर्बशन हो पाएगी सोर्स के थ्रू और जो मेनली एलिमेंट यूज होते हैं दैट इज़ आयरन टिन एट्सट्रा ओके बट तो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट वार स्पेक्ट्रोस्कोपी का एलिमेंट है वो कौन सा है 57 सेवन आयरन इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे तो प्रिंसिपल को समझने के लिए हमारे पास यहाँ क्या आता है रिकॉयल इफेक्ट कि रिकॉयल इफेक्ट होता क्या है अब देखिए जब भी एक हायर एनर्जी पार्टिकल जो है रिलीज़ होगा बॉडी से आपकी बॉडी रेस्ट पे है बट हायर एनर्जी पार्टिकल क्या है रिलीज़ हो रहा है तो बॉडी को एक बैक किक फील होती है इट मीन्स पुस्ड बैकवर्ड ओके जैसे हम गन का यूज़ करते हैं तो गन में क्या होता है जैसे ही हमारे पास हाई एनर्जी पार्टिकल रिलीज होगा ठीक है तो वो क्या करेगी बैक किक करेगी तो so, सिमिलरली वैसे ही न्यूक्लियस में भी होता है जब हम न्यूक्लियस हमारे पास रेस्ट में होगा एब्जॉर्व करेगा गामा रे इसको और एनर्जी ऑफ गामा रे शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन नेचुरल एनर्जी ठीक है तो गामा रेस की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी नेचुरल एनर्जी से अब इस फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए कि गामा रेस को क्या कर रहा है एमिट कर रहा है दूसरा एब्जॉर्व कर रहा है तो एनर्जी ऑफ रिकॉयल इस फॉर्मूले से दी जाएगी ई आर का स्क्वायर अपॉन टू एम सी का स्केयर ठीक है अब होता क्या है कि अगर फ्री न्यूक्लियाई है तो उसकी न्यूक्लियर रेजोनेंस क्या होती है अनऑब्जॉर्वेबल होती है ठीक है मतलब ऑब्जर्व नहीं होगी अनऑब्जर्वेबल इफ़ द एमिटिंग एंड ऑब्जर्विंग न्यूक्लियाई वर इन आइडेंटिकल केमिकल इन्वायरमेंट अगर हमारे पास एमिट होने वाले का और एब्जॉर्व होने वाले न्यूक्लियाई का एन्वायरमेंट कैसा है आइडेंटिकल है तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन जो है वो इक्वल होगी बट अगर हमारे पास केमिकल डिफरेंट है तो ये क्या कॉज करेगी एक शिफ्ट करेगी कॉज न्यूक्ट्री ियर एनर्जी लेवल में ताकि जो न्यूक्लियर उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ गामा रेज के इक्वल हो जाए रेजोनेंस में आ जाए ठीक है एंड दिस इज़ नोन एज डोपलर इफेक्ट मीन्स चेंज इन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई ई डैश इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन वन प्लस अवीए पॉन्सी बेलासिटी बिलासिटी किस चीज़ की जो वाइब्रेशन आ रही हैं वाइब्रेशन क्यों आ रही हैं ताकि एनर्जी जो है न्यूक्लियाई की वो रेजोनेंस में आ जाए एनर्जी ऑफ गामा रेज ओके सो इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट सोर्स यूजड इन मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज फिफ्टी सेवन आयरन बट हम फिफ्टी सेवन आयरन को यूज़ नहीं करते हैं इसमें क्या यूज करेंगे फिफ्टी सेवन को वाल्ट होके जो कि डी के होता है नेचुरली अब जैसे ये केश एल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा ये फिफ्टी सेवन आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा विद वन थर्टी सिक्स के ई वी एनर्जी के साथ ठीक है फिर वो अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बट जैसे ही वो अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा ध्यान से देखिएगा जैसे ही वो अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा वो एमिट करेगा गामा रेस को जो एब्जॉर्वर एब्जॉर्व करके डिटेक्शन में भेज देगा और डिटेक्ट हो जाएगा मीन्स इसको हम सिंपली यहाँ से भी समझ सकते हैं ये हमारे पास कोवाल्ट क्या है सोर्स है ठीक है जो कि वाइब्रेटर के ऊपर है और रोडियम क्रिस्टल के साथ ये कवर्ड है वो किस लिए ताकि रिकॉयल एनर्जी लूज ना हो उसे रिमूव करने के लिए जैसे ही ये गामा रेस को एमिट करेगा जो एबजॉर्वर है वो एब्जॉर्व कर देगा और डिटेक्शन के लिए भेज देगा अब नंबर ऑफ गामा काउंट जो है वेलोसिटी के इक्वल आ जाएंगे एक टाइम पे और वही हमारा डॉपलर इफेक्ट भी हो जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दैन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू